बिजली उपभोक्ताओं को बकाए की राशि चुकाने के लिए योगी सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना का 30 नवंबर को पहला चरण पूरा हो गया है और पहले चरण में इस योजना का करीब 20 लाख लोगों ने लाभ उठाया और इसके माध्यम से सरकार ने भी करीब 2000 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की है। अकेले 30 नवंबर को 58,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कराया तो वहीं इस दिन कुल मिलाकर 57 करोड़ से ज्यादा की धनराशि कोष में जमा हुई है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की बकाया जो राशि है उसके भुगतान में राहत देते हुए 8 नवंबर को एक मुश्त समाधान योजना यानी कि ओटीएस की शुरुआत की थी और उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में अपना पंजीकरण कराया। साथ ही योजना के तहत दो तरह के लोग इसका लाभ ले रहे हैं, एक ओटीएस नॉर्मल और दूसरा ओटीएस थेप, जिन पर बिजली चोरी का बकाया है। ये योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक 3 खंडों में चलाई जा रही है और इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक चला है जबकि अब 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई। वहीं तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से अतिरिक्त जमानत राशि जमा कराने को कहा गया है और ये धनराशि बिजली विभाग के कार्यालयों पर काउंटरों पर ही जमा होगी यानी कि ऑनलाइन नहीं। सवाल यह भी है कि क्या इसे ऑनलाइन नहीं जमा कराया जा सकता था, इसी सवाल को लेकर आज जनहित में ये सवाल उठा रहे हैं। साथ ही इस सवाल के साथ साथ दर्शकों की राय भी अहम हो जाती है और इसको लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका अवनीश कुमार। अवनीश जी, ये बताइए कि बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जो है जमानत राशि बढ़ा दी है जी, तो क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे में जो प्रश्न कल को और इसी मुद्दे को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे कि एक तरफ तो सरकार डिजिटल युग की तरफ बढ़ रही है यानी कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ जब इस तरीके के चीज़ें सामने आती हैं और राशि जमा करानी होती है तो वो फिर कैश काउंटर में ही जमा करने के लिए बाध्य क्यों किया जाता है, ये जनहित का अहम सवाल जिसको लेकर दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। साथ ही हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मेरठ से, राजू शर्मा, पवन तिवारी संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, विश्व प्रताप अलीगढ़ से, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। राज शर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश द्विवेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत मेरठ से कर लेते हैं, राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा, अगर देखा जाए एक तरफ तो जमानत राशि बढ़ा दी गई है, दूसरी तरफ बाध्यता इस बात की कि अब इसे जल्द से जल्द कैश काउंटर में जमा करना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, कहीं ना कहीं जनता की जेब पर यह भार पड़ने वाला है। जिस तरीके से जमानत राशि बढ़ाई गई है उससे अब जनता की जो जेब है वो और ढीली होने वाली है और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो ये जमानत राशि है ये सिर्फ और सिर्फ काउंटरों पर ही जमा हो पाएगी, जो कैश काउंटर खोले गए हैं बिजली घरों पर वहीं जमा हो पाएगी, जबकि नियम है कि कोई भी बिजली का बिल किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से आप खुद कर सकते हैं, लेकिन जो ये जमानत राशि अब बढ़ाई जा रही है इसको लेकर अब आम जनता परेशान होने वाली है। सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि अब जो जनता है वो एक तरफ तो ज्यादा राशि देने वाली है और दूसरी बात अब उसे जमा करने के लिए भी कैश काउंटरों तक जाना होगा, यानी कि सीएससी के माध्यम से जो राशि जमा हो सकती थी वो नहीं सरकार कर रही है, केवल आम जनता को परेशान करने वाली बात है। अब उन्हें कैश काउंटर तक बुलाया जाएगा और उसके बाद भी उससे जो बढ़ी हुई राशि है वो ली जाएगी। बिल्कुल, जमानत राशि को बढ़ाया गया एक तरफ और उसको अब कैश काउंटर में जाकर काउंटर में ही जमा करने की बाध्यता है तो उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि अलग अलग चैनल्स और अगर पत्रिकाओं का जिक्र करें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव तरीके से इस खबर को दिखाया भी गया बजाय ये सवाल उठाने के। हमारे साथ अवधेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पवन तिवारी लखनऊ से
संवाददाता जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए तो अब उपभोक्ताओं की मुश्किलें एक तरफ बढ़ने भी वाली है, अगर समय रहते इस जमानत राशि को कैश काउंटर में कैश में नहीं जमा किया गया तो कनेक्शन भी कटने तक की नौबत आ सकती है। पवन, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 जी, जिस तरह से ये योजना लागू की गई है जमानत राशि बढ़ाने की, तो ये कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके ऊपर एक बोझ तो है ही है, साथ ही साथ उसकी परेशानी भी बढ़ने वाली है। कैश काउंटरों की बात की जाए तो वहां पर जो सरकारी बाबू होते हैं वहां पर खिड़कियों पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिसके कारण जब उपभोक्ता वहां पहुंचा तो उसको लाइन भी लगानी पड़ती है और काफी देर में उनका नंबर आता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो जनता है वो काफी परेशान होने वाली है। और जो जमानत राशि बढ़ी है उसके जेब पर तो ही खर्च बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जो ऑनलाइन की व्यवस्था है उसको समाप्त करके जो काउंटरों पे जो है राशि जमा की जाएगी तो उससे काफी ज्यादा दिक्कत आम जनता को पड़ने वाली है। आम जनता से भी जो हमने बात की तो उनका साफ तौर से कहना था, जब सरकार पूरी तरह डिजिटल युग की तरफ बढ़ रही है और लोगों से कहती है कि डिजिटल ही पे करिए, तो उसके बाद ये अचानक जो है कैश काउंटर पे जो पैसा जमा करने वाली बात आई है उससे काफी ज्यादा लोग जो है सरकार के प्रति नाराज है, और उनका साफ तौर से कहना है कि इससे हम लोग की परेशानी बढ़ेगी, वहां पर हम जाएंगे। और दरअसल जो सरकारी बाबू होते हैं उनकी जो कार्यशैली होती है उससे सभी वाकिफ है किस तरह से वहां पर जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता है उसकी परेशानी बढ़ने वाली है। बिल्कुल, आम जनता की परेशानी बढ़ने वाली है। विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं, अलीगढ़ का। विश्व प्रताप, यहाँ पर आम जनता में इस बात को लेकर नाराजगी किस तरीके से देखने को मिल रही है? जाहिर सी बात है मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं अगर समय रहते जमानत राशि नहीं जमा की गई, और सबसे अहम बात अब एक लंबी कतार में भी लगना होगा, जबकि बिजली का बिल पे करना आसान है, घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आप पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बाध्यता क्यों कि आप कैश काउंटर में जाकर कैश ही जमा करें? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गरीब नागरिक हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए बुनियादी सेवा शुरू की गई थी कि लोगों को जो है बिजली फ्री दी जाएगी और जिनके बिजली बिल ज़्यादा हैं उन्हें बिजली मुफ्त दी जाएगी, उनके बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे। उसी तरह जो है जिस तरीके से सरकार ने जो है अचानक ये बिजली बिल जो अतिरिक्त जो है जमा करने की बात कही है, उसके अलावा जिस तरीके से बातें बिल्कुल सामने आई, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ तौर पे लोगों की जेबों पे डाका डालते हुए साफ तौर पे नजर आ रही है। हालांकि लोगों में इस बात को लेके काफी रोष व्याप्त है, क्योंकि पूरे जो है देश में डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से हो गया है। वहीं अगर बात करें विद्युत विभाग की, तो विद्युत विभाग जिस तरीके से जो है जो कैश काउंटर पे है वो नकदी ले रहा है और डिजिटलाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष व्याप्त है कि लोग घंटों लाइन में लग के, वहीं तौर पर अगर बात करी जाए तो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो घंटों लाइन में लगेंगे, उसके बाद में फिर जो है नए कनेक्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद में फिर वो पेमेंट देंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आम नागरिकों की जेबों पे साफ डाका डालते हुए सरकार साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हालांकि लोगों में रोष पूरी तरीके से व्याप्त है, लोगों को इस तरीके की तमाम परेशानियों का भविष्य में भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। जी शुक्रिया विश्व प्रताप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से राज शर्मा, अवधेश यादव सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं राजेश जी से। राजेश जी, एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति, दूसरी तरफ हम डिजिटल युग को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और ये जो तस्वीर सामने आ रही है कि अब काउंटर में कैश जमा करना होगा, जो जमानत राशि है बिजली उपभोक्ताओं को वो कैश जमा करनी होगी, ऑनलाइन क्यों नहीं? डिबेट से जुड़े हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और बहुत ही अच्छा आपने जो है मुद्दा उठाया जनहित के इससे में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार को योगी जी के नेतृत्व में बनने के पश्चात बिजली की समस्या जब बहुत तरीके से जब आई कि हाँ ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही थी, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए और बिजली का पैसा जो जमा कराने के लिए ये जो एक मुश्त समाधान योजना लागू किया गया है, इसमें कोई यह दिक्कत नहीं है कि आप डिजिटल के माध्यम से नहीं जमा कर सकते हैं। आपको यह है कि आप डिजिटल के माध्यम से जमा करें या कैश काउंटर पे जा करके जमा करें, हाँ ये जरूर है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते राजेश जी, अगर ऐसा होता तो हम इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे होते, हम ये सवाल ही नहीं उठा रहे होते कि सिर्फ कैश ही क्यों, ऑनलाइन क्यों नहीं? ऑनलाइन है मैडम, ऑनलाइन व्यवस्था जो है
ऑनलाइन जमा करने के लिए व्यवस्था है, परंतु उसमें होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए हमारा बिजली का बिल आया और हमको ये नहीं मालूम है कि हमको छूट कितना है या किस हिसाब से है, तो हो सकता है जो कस्टमर है वो परिवार उसको जानने के लिए कैश काउंटर तक वो जा रहे हैं और उस जानकारी के ना होने का अभाव में उनको वो जो है पैसा वहां जमा करके बताया जाता है और इतना जमा कर दिया जाए, ऐसा है बिल्कुल। राजेश जी ऐसा नहीं है, ऐसा अगर जमानत राशि जमा करने का जो ये बात निकलकर सामने आई है और अचानक से ये कह दिया गया बिजली उपभोक्ताओं को कि आप काउंटर में ही कैश जमा करेंगे, इस बात का जिक्र किया गया है, इसीलिए हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैश ही जमा करने की बाध्यता क्यों, ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं? बिजली का बिल आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कई बार जिनको ऑनलाइन प्रोसेस नहीं पता है वो कैश काउंटर में जाकर बिजली का बिल जमा करते हैं, ये उनकी अपनी योग्यता और अयोग्यता पर निर्धारित करता है, लेकिन यहां पर बाध्यता रखी गई है और इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं, इस बात को लेकर। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैडम मेरा ही स्वयं का बिजली का बिल आया है और अधिकारियों ने कहा है कि इसको आप जा करके जो है डिजिटल के माध्यम से जमा कर दीजिए। आप ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकते हैं बिजली के बिल के लिए, तो मैंने भी इस बात का जिक्र किया। ठीक है, सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, बिजली का बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं, लेकिन अभी अचानक से जो फरमान आया है जिसको लेकर हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, दूसरी तरफ डिजिटल युग को बढ़ावा देने का जिक्र किया जाता है और तीसरी तरफ ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आप जमानत राशि जो है वो काउंटर में कैश ही जमा करें, यानी कि एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बनने वाला है और ऑनलाइन क्यों नहीं पे किया जा सकता है? सोनी जी, मैं सबसे पहले तो ये बात कह रहा हूं कि झूठ को पार से ऊंचा कर दिया। अभी द्विवेदी जी बार बार कह रहे हैं, द्विवेदी जी सबको झूठा, चैनल को झूठा, दुनिया को झूठा बता रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि जब 1986-85 से डिजिटल इंडिया बनाने की ओर भारत देश को राजीव गांधी जी लेके चले थे, तब भी कपड़े उतार के बैलगाड़ी में चलते थे। दूसरी बात, ये पूरा पूरा हिंदुस्तान डिजिटल हो रहा है ये, और ये जाके कह रहे हैं काउंटर पे जमा करना, तो मुझे तो लग रहा है ये षड्यंत्र है इनका। एक्चुअली क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा है। मैं आपको एक चीज उदाहरण दे सकता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, उसमें केंद्र से पैसा आ गया है, लेकिन जो स्टेट का कोटा है वो पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इन्होंने किसी तरह भी हेरा फेरी करने के लिए ये चला रहे हैं। और तीसरी बात, एक बात कहूंगा द्विवेदी जी, अगर मुझे सुनोगे तो जवाब दे पाओगे। आपको बता दूं कि ये लोग पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि इनका कोई मुख्यमंत्री तो इधर उधर उमड़े वो तो इलेक्शन की मीटिंग कर रहे हैं और मंत्री है नहीं, और जो एक दो दो मुख्य उप मुख्यमंत्री बनाए, हो सकता है ये तीन चार उप मुख्यमंत्री बना दे, तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और आप ये सोच लीजिए, इन्होंने देश को अनाथ बच्चे की तरह छोड़ा हुआ है, जो चाहे करिए और यहां से पैसा लखनऊ से कमाइए और वहीं से एयरपोर्ट से उड़िए और वहां पे जाके दिल्ली में जाके अपने आकाओं को दे दीजिए। तो यही मेन कारण है। मुझे आप ही बता दीजिए, मैं द्विवेदी जी से सवाल पूछ रहा, आप बार बार कह रही हैं कि जब बिल हम ऑनलाइन जमा करते हैं ये भी जमानत राशि भी जमा कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा था बताइए? ऐसा क्या कारण है कि एक कान को क्या ऐसे ही पकड़ना है? अरे भाई, जब बिल जमा हो रहा है इस पे भी जमा कराइए, लेकिन इस पे है ये कुछ हिस्सा चला जाएगा द्विवेदी जी, आपको बुरा लगेगा, लखनऊ से अमौसी एयरपोर्ट से ही उड़ के जाता है हिस्सा, और आपके पास, और आज मैं एक चैलेंज कर रहा हूं सोनी जी, आज अतिशयोक्ति हो सकती है, इनके पास 3 महीने बिजली का बिल जमा किया कि नहीं किया? आपने बिजली का बिल जमा किया कि नहीं किया? हाँ, मैं मेरा जवाब ले लें आप भाई साहब, आपकी सरकार में नहीं, हम पहले से बिल जमा करते आते हैं और ऑनलाइन जमा करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप यदि ना जमा किए हो तो डिजिटल व्यवस्था के तहत में जमा करिए, देखिए कैसे नहीं जमा होता है। अरे नहीं समझ रहे द्विवेदी भाई, कहाँ कह रहे हो, क्या चैनल झूठा है? बोलो 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 द्विवेदी जी, चैनल झूठ बोल रहा है, कह दो
कह दो ना, इसमें कह दो मुस्कुराती कह दो। अरे कहाँ कह रही हो? चलिए राजेश जी, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार बिजली की बिल का जो जमानत राशि होती है उसको एक बार गूगल कर लीजिएगा, मुझे लगता है अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया अवधेश यादव जी की ले लेते हैं, सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, इसके बाद राहुल का रुख करेंगे। अवधेश जी, इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए क्या वाकई वसूली करने के लिहाज से कैश अब जमा करने की बाध्यता रखी गई है, फिर जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र क्यों किया जाता है? अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे कह रहे थे और हमारे राजेश द्विवेदी जी अपने ही लाइन पे चल रहे थे, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर ऑनलाइन जमानत राशि जमा की जा रही है तो आप कम से कम अपने जनपद में पूछ लीजिए, और आप राज शर्मा से पूछ रहे हैं कि उन्होंने बिजली का बिल जमा किया कि नहीं किया, इसका मतलब आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया था, इसलिए छूट वाले में आप जमा कर रहे थे। आप बार बार कह रहे हैं कि हम जो छूट का अभियान चला इसमें हमने जमा किया, हम कब कह रहे हैं बिजली का बिल ऑनलाइन नहीं जमा होता है, लेकिन जो जमानत राशि है इसको क्यों नगद जमा कराया जा रहा है और काउंटर पर बुला के जमा कराया जा रहा है? अब बताइए, जब काउंटर बुलाया जा रहा है, बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा है, उस कंडीशन में आप बताइए कितनी लंबी लाइन लगेगी और इस समस्या का समाधान कैसे होगा? रोज आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, डिजिटल की बात करते हो, और एक एक काम में आप अपने हिसाब से अपना हस्तक्षेप करते हो। ये सच में शर्मा जी ने कहा कि आपको वसूली की आदत पड़ गई, उसी पैसों से दूसरे राज्यों के चुनावों को प्रभावित कर रहे हो आप लोग। ये आप लोग अधिक से अधिक धन इकट्ठा करके, अभी सभी लोगों को पता है कि जो 15,000 करोड़ का ना इलेक्ट्रोल बांड था, सर्वाधिक 90% भारतीय जनता पार्टी के पास गया वो बांड। आप लोग देश के साथ सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रहे हो, कोई जनता को लाभ नहीं दे रहे हो। बिजली का बिल में अभी माफ चल रहा था, दूसरा कान पकड़ के वसूल ले रहे हो, ये सब चीज छलावा चल रहा। जनता आज नहीं तो कल समझेगी और परिवर्तन जरूर होगा, हम लोग ये पूरा विश्वास करते हैं। बिल्कुल, एक तरफ डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, दूसरी तरफ राजेश जी इस बात को समझना होगा, जब कोई बिजली का कनेक्शन लेता है तो उस वक्त जमानत राशि जमा कराई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर 500 रुपए जमा है तो उसका बिल 700 तक आता है जो कि पे करना होता है। अब एक बाध्यता भी है यहाँ पर कैश जमा करने की, वो अलग बाध्यता, दूसरी तरफ जो अब बकाया पहले से है लोगों को, अब वो जल्द से जल्द अगर नहीं जमा करते हैं उपभोक्ता तो उनका कनेक्शन भी कट कर दिया जाएगा। और सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि आखिर ये कैश की बाध्यता क्यों रखी गई है। एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं, राहुल मिश्रा का, प्रयागराज का। राहुल, इस फरमान के बाद कहा जाए, अचानक से जो ये फरमान सुनाया गया कि अब ये राशि कैश जमा करनी होगी, इसको लेकर क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी जी, आपसे बता दें, अभी तक जो हमारे सेटअप बैठ करके जो बातें कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत आभार, पर लेकिन हम आपको जो बातें कर रहे हैं जनता जनार्दन के बीच में, जो धरती के, जो धरती पे खड़े हुए हैं, जो जनता वोट देती है, जिताती है, सब चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, हम उनसे राय लेते हैं उनकी मंशा क्या है, हम उनसे पूछते हैं। आज के न्यूज की टीम इस समय जो पहुंची है, जहां पे जिस गांव में मेजा रोड पड़ता है, मेजा रोड पहुंचिया में पहुंची है, जनता हमारे पीछे खड़ी हुई है, उनसे ही पूछते हैं, कुछ जनता पर, जनता के प्रतिनिधि भी है, उनसे ही बात करवाते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दया शंकर प्रधान, पहुंचिया दुबे। दया शंकर प्रधान, पहुंचिया दुबे, प्रधान है आप? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, जो अभी सरकार ने एक नियम निकाला है, जो धनराशि है बिजली का वो जमा करने का, जो जमा कर रहे हैं कैसा है, जो लाइन लग के जमा कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं गलत है? तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी जो जनता के लिए यह आदेश और नियम कानून को लागू किया है, वह जनता के लिए बहुत हित की योजनाएं हैं और जनता उससे बहुत ही लाभ पा सकती है। लेकिन उसमें फर्क इतना है कि जैसे हम लोग दूर दराज के हैं और जहाँ ये बिल जमा होता है, हम लोग भाड़ा किराया लगा कर जाते हैं, वहाँ दिन भर परेशान होते हैं और शाम को पता लगा कि हम नंबर पर नहीं आए और ऑफिस बंद हो गई, फिर निराशा होकर वापस आते हैं, फिर विधान से लाइन लगाते हैं। तो इसके लिए
हमारा यह माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जो ऑनलाइन व्यवस्था है, जो और तकनीकी व्यवस्था है, अगर उसके द्वारा हमें अगर बिल का मतलब ऑनलाइन सिस्टम जैसे बिजली पानी मोबाइल के पास जमा होता ऐसा हो जाए व्यवस्था है, अगर ये सिस्टम से काम कराया जाए तो हम लोगों के लिए भी आसान होगा और हम लोग समय समय पर उसको जमा भी करेंगे और जब जमा होगा सरकार के पास ये धनराशि जाएगी तो सरकार के द्वारा पुनः हमारे विकास के लिए हमें किसी न किसी मद से दान प्रदान होता रहेगा और हमारे देश का विकास भी होगा और हमारे देश की जनता जो है खुशहाल भी रहेगी। अच्छा ये बताएं आप प्रधान जी जो प्रधान जी कहते हैं जो कई वोटों से जीते हुए भी हैं, क्या प्रधान जी जो कह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम जो बिजली बिल जमा हो वो होना चाहिए उचित उचित है प्रधान जी का कहना। प्रधान जी ने जो बातें कही है उस पे सरकार को भी अमल करना चाहिए और लागू भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ से आदमी जाता है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के रेंज को कवर करता है, कवर करने के बाद फिर वो आता है और वहां पहुंचा पता चला नंबर ही नहीं आया प्रधान जी ने कहा और खड़े खड़े लाइन में लगे रहे, उसके साथ डिस्टरबेंस अलग से क्रिएट हो तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। ठंडी का मौसम है, ठंडी का बाहर है, शाम 5 बजे दिन डूब जाता है, जनता परेशान होती है, लाइन में लगती है, जाती है, आती है। अरे महोदय पीछे से खड़े आप भी तो कुछ बोलेंगे। महोदय बताए जो लाइन में लग के पैसा जमा करना चाहते हैं कि ऑनलाइन देना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, भीड़ भाड़ आप देखे अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जनता चाहती है ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, डिजिटल मोदी योगी का एक नारा है डिजिटल इंडिया डिजिटल नारा डिजिटल यही चाहते हैं, यही हम लोग चाहते हैं, यही चाहते हैं। अच्छा जी और क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन हो? सर ऑनलाइन है सही है लेकिन इस महीने अगर जैसे 300 बिल आया अगर अगले महीने पता चला 15,000 आ गया और वो लेके दौड़ते हैं एसडीओ एक्सपीएन अपने दे ही कोई लोड नहीं लेता यहाँ 10-10 दिन से परेशान है पावर हाउस पे आप जाके देखिए। अच्छा 10-10 दिन से पावर हाउस पे एसडीओ मालिक है? एसडीओ बिल बनाएगा जे कहता है नहीं एसडीओ बनाएगा, मेरे सामने हुआ है अभी तक क्लियर नहीं कर पाया वो। अब हाँ बोले किसानों को भाई कुछ फायदा होने वाला है बिजली से? बिजली से देखिए हर आदमी चाह रहा है उम्मीद किससे? बिल्कुल जो प्रतिक्रियाएं निकल कर राहुल सामने आ रही है उससे ये बात साफ है कि यहाँ पर जो लोग हैं अधिकतर देखा जाए तो वो ऑनलाइन पे करने के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर ये फरमान क्यों नहीं सुनाया गया। और साथ ही हमारे साथ राजू शर्मा भी मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा एक बार आपका रुख कर लेते हैं, यहाँ पर देखा जाए जिनकी राशि ज्यादा बाकी है खुद 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 हो गया है, लोग जा रहे हैं संशोधन कराने। ठीक है राहुल, ठीक है राहुल। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी मैं ये कहना चाहता हूँ जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको अगर स्टार्ट किया था इसी के ही माध्यम से चलना चाहिए, फिर काउंटर पर बिजली का बिल जमा करने का क्या मतलब हुआ? या तो ऑनलाइन का सिस्टम ही खत्म कर दो या तो काउंटर पर ही जमा कराया तो काउंटर पर जमा करो। काउंटर पर जमा करने से आदमी का समय बर्बाद होता है, अब आप समय बचा के अपना काम निकालता कोई काम छोड़ के जमा करने जाता है। शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। ऑनलाइन क्योंकि जमा करने में सहूलियत, आम जनता को भी सहूलियत होती है। हमारे साथ अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। गिरीश जी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, सुन पा रहे हैं आपको? जी हेलो जी सुन पा रहे हैं गिरीश जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के वो गलत फहमी में हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं है जी, इसलिए वो बिल जमा करने की पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं और आप बात कर रही हैं जो जमानत राशि बढ़ाई गई है उसके नगद पेमेंट की बात कर रहे हैं जी। इस बात को पहले वो क्लियर कर लें। मैं ये कहता हूँ कि सरकार को इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा तब ये ऑनलाइन जमा हो पाएगा पैसा। अब सरकार चाहे तो करा सकती है लेकिन इनको जल्दी से जल्दी पैसा वसूलना है क्योंकि ये दिवालिया कर दिया इन्होंने अयोध्या और काशी बनवाते बनवाते देश के लोगों को कटोरा पकड़ा दिया, बाबाओं को मौज उड़वाने के लिए देश के गृहस्थों को बर्बाद किए दे रहे हैं लोग। ये इनके पास ना बीवी ना बच्चे, तो ये लोग हम लोगों की परेशानी को नहीं समझते, इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि निसंतान को देश का राजा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। राजेश जी, इस सवाल का जवाब है क्या आपके पास कि वाकई ये वसूली के लिए ही कैश काउंटर में जाकर अब उपभोक्ताओं को कैश जमा करना होगा? चलिए, राजू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं मेरठ का। राजू शर्मा, ये दर्शकों की राय भी निकलकर सामने आ रही है, वाकई वसूली के लिहाज से अब कैश जमा करना होगा और इसीलिए ये बाध्यता रखी गई है, जमानत राशि बढ़ा दी गई वो एक अलग बात, लेकिन अब लाइन में खड़े होकर कैश जमा करना होगा वसूली के लिहाज से? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, जनता जो कहती है वो सही भी होता है और कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी होती है, हो सकता है इस बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जमानत राशि के नाम पर जनता को परेशान तो किया जाना है। एक तो जनता जो जमानत राशि है वो अधिक देगी और उसके बाद भी वो परेशान होगी, घंटों घंटों लाइनों का इंतजार करेगी, लाइन में लगेगी और जब जाकर उसका नंबर आएगा तो उसे अधिक दाम पे करना होगा। यही काम जो है ऑनलाइन भी किया जा सकता था, जिस तरीके से हर महीने बिल जमा कराया जाता है उसी तरह जो जमानत राशि है वो भी ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो आम जनता कह रही है साफ तौर पर कि वसूली की जो भू है वो आ रही है। बिल्कुल राजू, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। राज शर्मा का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर मंशा सरकार की क्या कुछ नजर आ रही है और देखा जाए तो अब दिक्कतें भी, नोटबंदी जैसे हालात की बैंक के बाहर एक लंबी कतार नजर आती थी वैसे ही हालात अब जमानत राशि जमा करने के लिए नजर आने वाली है। देखिए मैं एक बात कह दूं कि सारी हकीकत अभी पता चली गई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाग गए क्योंकि इन लोगों के पास जवाब नहीं होता। मेरा एक बात, आगे आगे बात को पूरा कर लीजिए राजेश जी, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी सांस लीजिए और सांस छोड़िए, गुस्सा शांत हो जाएगा। आप, मैं एक बात कह रहा, मेरे से निकल गया, मुझे दिखे नहीं आप, चलो मैंने अपनी जुबान वापिस ली। मुझे अच्छा एक बात तो बता दीजिए, आप छूट में बिल जमा कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। नहीं मैंने मैंने ना, आपने कहा, अरे भाई साहब सुनेंगे पहले बिल जाए मेरे, आपका तो देश सुन रहा है। अरे भाई हम हमेशा हर महीने जमा करते हैं, जब छूट का महीना आया तो जो शेष धनराशि, राजेश जी सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दे दीजिएगा। राजेश जी थोड़ा सा शब्द, एक मिनट का समय हमारे भी पास है। राजीव जल्दी से अपनी बात को कर लिए पूरा। अरे मैं सुनूंगा, जो छूट उन्हें मिल रही है जिन्होंने 6 महीने 8 महीने 4 महीने से बिल जमा नहीं किया है, छूट मुझे नहीं मिल रही है, हर महीने जमा करने वाले को। आपने अगर छूट ली तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब जनता का पैसा लूट रहे हो। द्विवेदी जी मैं क्षमा के संग कहता हूँ, आप पंडित जी हो, थोड़ा सा सुधरो, ठीक है राजेश जी, आने वाले समय में आपको याद रखिएगा बस। राजेश जी आप बिल जमा नहीं करते, ये देखिए सोनी जी इन्होंने नहीं कहा बिल जमा नहीं करते, ये छूट का इंतजार कर रहे हैं, आप ये ऐसा करोगे? अरे ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मुझे लगता है आम जनता को बेसब्री से इस बात का इंतजार रहता है कि छूट उसे पूरी रियायत मिलनी चाहिए। राज शर्मा जी आपकी बात पूरी हो गई, समय कम है। राजेश जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं और साथ ही दर्शक का भी सवाल था कि क्या वसूली के लिहाज से ये कैश राशि मांगी जा रही है, जमा करवाई जा रही है? समाज को लाइट ही नहीं देते थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके शासन काल में लाइट ही नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर खराब हो जाते थे, बदले इतना नहीं पूर्व थे। में जाने की जरूरत नहीं है राजेश जी, आप फिर पूर्ववर्ती सरकारों को कोसना शुरू कर दिया आपने। राजेश जी आप प्रेजेंट में रहकर बात करिए ना। राजेश जी जो सवाल किया है आपसे उसका जवाब के लिए जो परिवार हैं, चलिए समय का अभाव है राजेश जी, आपसे जो सवाल किया जाए आप उसी
का जवाब दिया करें तो बेहतर रहेगा मुझे लगता है। आप पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करने लगते हैं, उनके कार्य शैली को उठाने लगते हैं, अच्छी बात है, कोसी है, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या हालात है और किस बात को लेकर सवाल पूछा जा रहा है उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय फिलहाल इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन जमानत राशि कैश काउंटर में जाकर ही जमा करने की जो बाध्यता रखी गई है उससे आम जनमानस को यानी कि अब उपभोक्ताओं को जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।